नमस्कार, आपका स्वागत है NBT लाइफ में। क्योंकि ये रक्षाबंधन का त्योहार है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे बनती है एक सीड राखी। सीड राखी का कॉन्सेप्ट जो है वो सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की तरफ से आया है। जैसे कि हम इको फ्रेंडली गणेशा यूज़ करते हैं गणेश चतुर्थी के टाइम पे, वैसे ही सीड राखी के सीड्स को निकालकर हम गमले में लगा सकते हैं और जो प्लांट निकलेगा वो हमारे और हमारी भाई बहनों के रिश्ते के प्यार का प्रतीक होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे बनती है सीड राखी घर पर, बहुत ही इजी स्टेप्स में। सबसे पहले 3 डिफरेंट कलर के थ्रेड्स को ले लें और उन्हें ऐसे गुथ लें। उन्हें गुथने के बाद उनके दोनों ओपन एंड्स पर नॉट बांध दें और फिर नीचे के हिस्से में से थोड़ा हिस्सा निकालकर उससे राखी का डायल बनाएं और फैब्रिक ग्लू की मदद से उसे चिपका लें। जब आपकी बेसिक राखी तैयार हो जाएगी तो बीच में एक बीड लगाकर उसके अराउंड आप अपने मनपसंद सीड्स लगा सकते हैं। अब सीड्स लगाने के बाद आपकी राखी तैयार है। अब आप अपने भाई को ये राखी बांध सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि इसको प्लांट कैसे करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसे प्लांट कैसे करना है। सबसे पहले एक छोटा सा गमला लें और उसमें मिट्टी डालें। पॉट को आधा भरने के बाद मिट्टी में कुछ छोटे छोटे छेद बनाएं जिनके अंदर हमें सीड्स डालने होंगे। अब मिट्टी को गीला कर लें और फिर सीड्स डाल दें। और उसके ऊपर और मिट्टी डाल दें और अपने प्लांट को किनारे रख दें, क्योंकि अब आपका प्लांटिंग प्रोसीजर पूरा हो गया है। दिन में 2 बार रोज पानी डालने पर आपका प्लांट खूब हरा भरा और अच्छा सा निकल के आएगा, जो आपको हमेशा अपने भाई और अपने प्यार की याद दिलाता रहेगा। इसके लिए आप अपनी राखी भी अपने पॉट के अराउंड बांध सकते हैं, ताकि आपके भाई को हमेशा याद रहे कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। तो ये था वीडियो सीड राखी बनाने का और कैसे प्लांट करने हैं उस सीड राखी के सीड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपने कैसी सीड राखी बनाई। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल है NBT Live, जिस पर हम रेगुलरली इतने अच्छे अच्छे वीडियोज पोस्ट करते हैं। बेल आइकन भी दबाएं ताकि ऐसे वीडियोज आपसे मिस ना हो। अब मैं पूर्णिमा पांडे आपसे लेती हूँ विदा। हैप्पी रक्षाबंधन।